दोपहर के 3 बजने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सर्दी अपने चरम पर है, बावजूद इसके लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें फर्राटे भर रही हैं, उसे देखकर पसीने छूटना लाजमी भी है। कोरोना काल में हुई कम कमाई से जूझ रहे आम आदमी को अब पेट्रोल डीजल के लिए उम्मीद से ज्यादा अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। क्या आने वाले दिनों में शतक लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल ने निकाला सर्दी में पसीना, आम आदमी पर महंगाई की मार। शतक के करीब पेट्रोल डीजल की कीमत, बेलगाम कीमत, मुश्किल में किस्मत। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़े दामों ने एक बार फिर आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से न सिर्फ वाहन चालक बल्कि व्यापारी और किसान समेत हर तबका प्रभावित है। आम लोगों को पहले के मुकाबले पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 93.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 83.84 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। बीते 9 महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में 12 से 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि कोरोना काल के दौरान भी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। आइए अब आपको बताते हैं एमपी के 4 बड़े शहरों में आखिर क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमत। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 93.58 रुपए, वहीं डीजल की कीमत 83.84 रुपए। इंदौर की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 93.72 रुपए तो डीजल की कीमत 83.99 रुपए। जबलपुर में पेट्रोल 93.68 रुपए तो डीजल की कीमत 83.96 रुपए। वहीं ग्वालियर में 93.68 रुपए पेट्रोल की कीमत, तो वहीं डीजल की कीमत 83.93 रुपए। लगातार बढ़ रही है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। जो भी कमा रहे हैं सब पेट्रोल ही में डाल दे रहे हैं। महीने में हम कितना सैलरी मिलता है, 2,000-2,500 मिल रहा है, जिसमें से 1,500 रुपए पेट्रोल ही खाली खर्च कर रहे हैं गाड़ी में। अगर ऐसे ही महंगा हुआ तो क्या कर लेंगे हम लोग। वहीं बड़े डीजल पेट्रोल के दामों पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से जारी ट्वीट में लिखा गया, फिर बड़े डीजल पेट्रोल के दाम। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 93.58 रुपए पहुंची। झूठे वादे और जुमले सुनाकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। शिवराज जी, आप डीजल और पेट्रोल पर देश में सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं। मध्य प्रदेश पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने प्रदेश और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेताशा वृद्धि से नाराज मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप बंद करने की चेतावनी दे दी। एसोसिएशन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें जल्द कम नहीं हुई तो पेट्रोल डीजल की बिक्री ही बंद कर दी जाएगी। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार की आखिर क्या दलील है, अब जरा वो भी देखिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक कीमत बढ़ने का मूल कारण कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कच्चे तेल की कीमत। देश अपनी जरूरत का 80% पेट्रोल आयात करता है। कोरोना की वजह से तेल का उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम होने की वजह से मांग बढ़ी है। डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। महंगे डीजल और किसान आंदोलन के चलते सामानों की सप्लाई कम हो गई है। फल सब्जियों के दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे में आम आदमी को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भोपाल में पेट्रोल 93.58 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 83.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में अगर बात की जाए तो जो पेट्रोल है वो 93.58 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जो कि आज की रेट यहां पर दर्शाई जा रही है। और डीजल है, डीजल के अगर हम दामों की बात की जाए तो डीजल 83.84 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि आम आदमी की परेशानियां बढ़ा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं? डीजल पेट्रोल तो सही है, ये तो दूसरी बात है, पर जो मूलभूत अधिकार है, जो आवश्यक चीज़ें, हैंड टू माउथ वाले लोगों को रोटी नहीं मिल रही आज के ज़माने में, रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या बच्चों को पालेगा वो, बताइए मुझे। तो बिल्कुल देखिए, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है लोगों को, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो आम आदमी की बात है वो निकल कर आगे आती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो जो ऑटो चालक होते हैं उन्हें दिक्कतें होती हैं, ऑटो चालकों को। बताएं कितना पेट्रोल आप पहले डला देते हो और अब डलाना पड़ रहा है? पहले कितना पेट्रोल डलाते थे और अब कितना डालाना पड़ रहा है? पहले टैंक फुल रखते थे, अब 100-100 रुपए का डलवाना पड़ रही है। परेशानी कितनी होती है इसमें? बहुत परेशानी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है।
महंगाई तो बहुत, पेट्रोल भी रेट भी बढ़ते जा रहा है ना। बिल्कुल, तो देखिए पेट्रोल के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर परेशान कर रहे हैं, और यही वजह है कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं मध्य देश की आर्थिक स्थिति उस पर भी असर डालते हैं। सर आप बताएं, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह की परेशानियाँ होती है ऐसे में? ये इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जो हमारी आयात और निर्यात नीति है उसको सुचारित रूप से और सही तरीके से इनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं वो ठीक है, परंतु जो इनने सेज लगा रखा है, जो इनने टैक्स लगा रखे हैं, जो इनने वेट टैक्स लगा रखे हैं, एमपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर में जो है पेट्रोल 99 रुपये का हो गया है, पेट्रोल प्रीमियम जो है उसके दाम 100 रुपये क्रॉस कर गए हैं, तो इनको अपनी पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, पॉलिसी में चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य की उत्तर प्रदेश में, तो भोपाल से मध्य प्रदेश से 10 रुपये कम पे जो पेट्रोल है वो मिलता है, और ऐसे में जो मध्य प्रदेश यहाँ पर लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी को मुश्किलों में डाल रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगने वाला वेट और केंद्र से लगने वाला वेट, इसमें कितनी कटौती सरकारें करती हैं ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो भोपाल की तस्वीर तो आपने देख ली, अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर में पेट्रोल 93 रुपये 61 पैसे बिक रहा है आज, और डीजल 83 रुपये 89 पैसे बिक रहा है। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है। जबलपुर पेट्रोल पंप से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी दुर्गेश। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दामों में लगाम नहीं लग पा रही है, और यही वजह है कि रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है। बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में आज पेट्रोल 93 रुपये 61 पैसे बिक रहा है, तो वहीं डीजल भी 83 रुपये 89 पैसे, यानी तकरीबन 84 रुपये प्रति लीटर डीजल जो है जबलपुर में बिक रहा है। स्वाभाविक बात है, लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कितना खर्चा बढ़ गया भाई, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने से? खर्चा तो बढ़ ही रहा है, अब लोगों की मतलब जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा पेट्रोल में यूज़ हो जाता है। पेट्रोल रोज होना है, यूज ही है। हाँ, पेट्रोल तो रोज ही यूज होता है। बिल्कुल सही बात है, यही बात स्थिति है, लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, कितनी परेशानी? हालात खराब भैया, बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, 120 पहुँच जाएगा लग रहा है। बिल्कुल सही बात, देखिए यही लगातार लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये नया रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए डीजल के दामों की बात करें तो आज 83 रुपये 89 पैसे है, पेट्रोल 93 रुपये 61 पैसे है, यानी कि साफ जाहिर है कि ये रुक नहीं रही हैं। रोज़ाना 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे की बढ़ोतरी होती है, जिसके बाद एक नया दाम हमें रोज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सीधी सीधी आम जनता की जेब ढीली हो रही है। देवेंद्र शमकसान, दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और किस तरीके से अलग अलग शहरों में हालात क्या हैं वो हमने आपको दिखाया। पन्ना शहर में भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, यहाँ पेट्रोल 95 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, और डीजल 85 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है, और इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गणेश विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर हम पन्ना शहर की बात करें तो पन्ना शहर में पेट्रोल की कीमत 95.38 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत जो 85.48 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पन्ना में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। अगर यहाँ पर पन्ना शहर की बात करें तो बहुत छोटा सा शहर है, ऐसे में लोगों को, आम आदमी को जो है अपनी जेब पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ पन्ना के शहरवासी हैं जो पेट्रोल भराने के लिए आए हैं। भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? लगातार बढ़ रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते। जो भी कमा रहे हैं सब पेट्रोल ही में डाल दे रहे हैं। महीने में हम कितना सैलरी मिलता है, 2,000-2,500 मिल रहा है, जिसमें से 1,500 रुपये पेट्रोल ही खाली खर्च कर रहे हैं गाड़ी में। अगर ऐसे ही महंगा हुआ तो क्या कर लेंगे हम लोग। 100 रुपये पहुँच रहा है पेट्रोल, क्या कहेंगे, उम्मीद जताइए जल्दी। 100 रुपये हो रहा तो फिर क्या, गाड़ी छोड़ के साइकिल या पैदल करना पड़ेगा, काम ही छोड़ना पड़ेगा फिर तो। पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी थोड़ा, आम आदमी को भी थोड़ा वो लगे। अगर दिन ब दिन ऐसे ही पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो हम लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे फिर। निश्चित तौर पर आम आदमी की जेब पर सीधे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जो आम आदमी होता है वो रोज़मर्रा की जरूरतों के साथ साथ पेट्रोल को भी मैनेज करता है। हमारे साथ शहर के और निवासी भाई साहब पेट्रोल भराने आए हुए हैं, 100 रुपये के लगभग पेट्रोल पहुंच रहा है, 95.38 पैसे पेट्रोल बिक रहा है पन्ना में, क्या कहेंगे?
सरकार से ये उम्मीद है कि अभी कोरोना से निपटने के बाद सस्ता करेगी, विश्वास हमको। अगर ऐसा रहेगा तो अब क्या लोगों की अब जैसी व्यवस्था बनती है, मान के चलो पहले पैदल चलता था आदमी, आजकल नहीं बन जा, आदत बन गई है। तो अब जैसा रहेगी महंगाई तो सहेगा आदमी कहा। तो कैसे मैनेज करते हैं, 95 का पेट्रोल हो चुका है। करते हैं, खाना पीना तो कम खाएंगे, कपड़ा कम पहन के लेकर गाड़ी तो चलाएंगे ही, क्योंकि व्यवस्था और कुछ हो नहीं सका गवर्नमेंट की। निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना बहुत बड़ा बोझ साबित हो रहा है और लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे कम करके पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। पन्ना से न्यूज स्टेट के लिए गणेश विश्वकर्मा। एमपी में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, छिंदवाड़ा शहर में भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 95.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.48 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता महेश चांडक। पेट्रोल और डीजल के रेटों में अंगार लगी हुई है। पेट्रोल का रेट छिंदवाड़ा में 95.41 रुपये हो चुका है और डीजल का रेट 85.43 रुपये हो चुका है। वह दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल के रेट 100 रुपये के आसपास हो जाएंगे और डीजल के रेट 90 रुपये होंगे। लगातार बढ़ते हुए रेटों को लेकर के उपभोक्ता चिंतित हैं और उपभोक्ताओं की जेब हल्की होती जा रही है। आइए हम पंप पर दिखाते हैं कि पेट्रोल का रेट जो है 95.41 रुपये ये दिखाया जा रहा है और साथ में डीजल का रेट जो है वो 85.53 रुपये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डीजल के रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं जिससे हमारे घरों में परेशानी रहती है, बाल बच्चों के इससे हमको बड़ा वो रहता है। इससे सरकार से हम निवेदन चाहते हैं कि इसमें कम करे रेट। पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं इसको आप क्या मानते हैं, कम होने चाहिए या फिर और बढ़ने चाहिए? कम होने चाहिए, कम होने चाहिए पेट्रोल डीजल के रेट। आइए हम एक और उपभोक्ता है उनसे भी बात करते हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं अभी तो, बहुत दिक्कत, इतनी नहीं होना चाहिए, इससे महंगा नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ उपभोक्ता जिन्होंने इस बात को कहा है, पेट्रोल और डीजल के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे उनकी परिवार को चलाने में भी कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। वीडियो पर्सन सहित के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।